ये वही जगह है जहाँ पर जो है अक्षय कुमार जी और उनके पापा जो है यहाँ पर इस जगह पर जो है टॉयलेट कर रहे थे। और ये टॉयलेट मूवी का जो है पूरा का पूरा सेटअप नहीं है, पूरा का पूरा घर है। मलका के साथ में जो फेरे पड़े थे ना अक्षय कुमार जी के, वो इस जगह पर पड़े थे। यहाँ पर जो है भैंस बंधी हुई थी, अक्षय कुमार जी के पापा रहते थे वो ये वाली। हाँ, इस जगह से जो है वो भूमि जी जो है आई थी, जब नीतू निकल रही है ना, वही टट्टर है जहाँ पर बैठ करके वो दांतों को साफ करते थे। यहाँ पर इस जगह पर रसोई थी भूमि की, जो खाना बनाती थी। जो अक्षय कुमार जी और भूमि जी का जो बेडरूम था ना, इसके अंदर जो है वो सोते थे। इस समय ये देखिए वो कोई बुलाने भी आ गया है, वो अभी भी जो है देख रहे। सुबह कीटे प्यार तेरा सुबह कीटे। जय हिंद दोस्तों, आज ये आने वाली जो वीडियो है ना, ये कुछ अलग हटकर के होने वाली है। ना ये गाड़ियां लोहार पर आधारित है, ना ही कोई पीपल लाइफ स्टाइल ब्लॉग पर आधारित है। दोस्तों इस समय हम जहाँ खड़े हुए ना, ये है अक्षय कुमार का गाँव। विश्वास नहीं होगा ना आपको, मैं भी पहली बार देखने आई हूँ। ये है अक्षय कुमार का गांव और हम इस समय आए हुए हैं जहाँ 2017 में आई थी ना टॉयलेट मूवी। तो टॉयलेट मूवी के अंदर जो अक्षय कुमार और जो उनके जो साथ में जो हीरो थे ना, उनका जो घर था ना, जो उनके भाई थे, आज हम उनके घर पर आए हुए हैं, अक्षय कुमार के घर पर। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये है दोस्तों नंदगांव। तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव है जिसका कि नाम ही नंदगांव है। तो नंदगांव के अंदर दोस्तों हम इस समय आए हुए हैं नीतू को लेकर के। तो जो टॉयलेट मूवी में जो अक्षय कुमार के साथ में जो हीरोइन थी ना भूमि जी, तो भूमि जी के घर लेकर के चलते हैं उनकी ससुराल। ये नीतू जी भी देखेगी कि भूमि जी कैसे शादी होकर के जब घुसी थी ना, आज हम इसको भी घुसाते हैं वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों गाँव दिखाते हैं। नंदगांव में तो हम पहुँच चुके, अब उनके घर की रास्ता कैसी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार का गाँव फेवरेट हीरो है। अक्षय कुमार तो बहुत सुपरहिट हीरो है, आप सभी जानते होंगे। तो चलिए अक्षय कुमार के घर तो चल दिए हैं। अक्षय कुमार के घर, ये उनका गांव है, तो चलते हैं, गलियों में लेके चलते हैं, गलियों से ही जाएंगे निकल के। देखिए कुछ बहनें लकड़ी लेके जा रही हैं, शाम को कुछ काम कर रही हैं अपना। ऐसा गांव है उनका यहाँ पे, अक्षय कुमार का गाँव है ये। देखिए दोस्तों बस जस्ट उनके घर पर हम जो है पहुंचने वाले हैं। उनका साफ सफाई हो रही है, देखिए झाड़ू वगैरह लग रही है। अब आप खुद पहचान जाओगे, जैसे ही मैं गाड़ी आगे की तरफ मुड़ेगी ना, तो आप खुद पहचान जाओगे कि ये वही जगह है जहां अक्षय कुमार जो है रहे थे। बस आ गया, हम साइड में गाड़ी खड़ी करेंगे, जो ये व्हाइट कलर का है ना वो वाला। दिख गया। पहचान लिया दोस्तों। देखिए हम पहुंच चुके हैं, ये पुरानी वाली जो आंटी है जो जिनका ये घर है वो हमें मिल चुकी है यहाँ पर। और ये पहले भी आपने अगर मेरी वीडियो में अगर देखा होगा तो ये आंटी जी थी। और ये वही जगह है जहाँ पर जो है अक्षय कुमार जी और उनके पापा जो है यहाँ पर इस जगह पर जो है टॉयलेट कर रहे थे। और ये टॉयलेट मूवी का जो है पूरा का पूरा सेटअप नहीं है, पूरा का पूरा घर है। चलिए आगे लेकर के चलता हूँ आपको। ये देखिए इस जगह पर ना अक्षय कुमार जी के जो पापा है ना, वो यहाँ पर जो है टॉयलेट कर रहे थे। और ये इनका घर होता है जहाँ पर जो है भूमि जी जो है शादी होकर के गई थी। अब बाकी का जो इंट्रोडक्शन है ना, ये आंटी देंगी क्योंकि ये भी थी उस मूवी में। और इन्होंने इन्हीं का घर जो, हाँ ये वही जगह है जहाँ पर जो है ना आंटी जी, ये वही जगह है ना जहाँ पर टॉयलेट ये। अब चलिए आंटी जी अंदर लेकर के चलेंगी उनके घर में, और भूमि जी का और अक्षय कुमार जी का जो है कमरा जो बेडरूम था वो भी हमें दिखाएंगी। और चलिए एक बार चलते हैं अंदर, चलते हैं आंटी जी के घर के अंदर। ये इनका घर है वैसे, एक्चुअली में अक्षय कुमार जी का घर मूवी में लिया था ये, वैसे ये इनका घर है। अब इसमें इस समय क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आंटी जी बताएंगी, अक्षय कुमार जी के पापा रहते थे इस जगह पर। आंटी ये इधर रहते थे अक्षय कुमार जी के पापा। आज जो है स्पेलर रखा हुआ है, बंद करना पड़ा होगा आपको। ना ना करा नहीं था हमने। अच्छा तो फिर कैसे चलाते बस ये स्पेलर बंद करा था, एक चक्की बंद करी थी। अच्छा। रहे हम यहीं पे। अच्छा अच्छा हाँ। तो आप देखती थी जब शूटिंग होती थी। अच्छा। अच्छा। आंटी जी वीडियो बनाने तो आते होंगे ना यहाँ पर, पहले भी आए कई बार? पहले भी आए, बहुत काफी आते हैं, डेली आते, कोई ना कोई आता है। अच्छा अच्छा परेशान करता। देखिए आंटी जी बता रही हैं कि इस जगह से भूमि जी इधर से भूमि आई थी,
वो एक्टर आए थे बरात लेके बरसाना से, तो फिर वो अच्छा भूमि जी का गांव जो है बरसाना था। हाँ बरसाना था। हाँ 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 अक्षय कुमार का यहाँ था, अक्षय कुमार जी का नंदगांव था। हाँ अच्छा, तो वे जैसे ब्याह के आई थी उसका आरता हमने किया था। अच्छा आरता आपने किया था। किया था। हमें नहीं किया। तो फिर आप आएंगे उसमें हाँ मूवी में है ना। अच्छा मैंने इतनी गौर से नहीं देखी मूवी। नहीं मूवी में है ही आंटी जी जो है। देखिए आंटी आपके पिक्चर में आने इस जगह से जो है वो भूमि जी जो है आई थी जब नीतू निकल रही है ना इस जगह से। अब आंटी जी उनके कमरे वगैरह को भी दिखाएंगी हमको जहाँ उनका कमरा था। चलिए अंदर चलते हैं, आंटी जी लेकर के चलेंगी हमको। ये तो बता दिया दोस्तों कि उनके जो है पापा का रूम था यहाँ पर। हाँ भैंस का नाम मलका था। मलका मलका हाँ मलका के साथ में जो फेरे पड़े थे ना अक्षय कुमार जी के, वो इस जगह पर पड़े थे। यहाँ पर जो है भैंस बंधी हुई थी। मैं क्लिप लगा दूंगा उसकी। जी जी वो भी आपने देखा होगा। अच्छा भैंस के साथ जब फेरे पड़े थे। देखिए दोस्तों इस जगह पर ना भैंस के साथ में फेरे पड़े थे अक्षय कुमार जी के। और ये देखिए वही टट्टर है जहाँ पर बैठ करके वो दांतों को साफ करते थे। कहते थे ना कि दांतों की साफ सफाई कर रहा हूँ, जो है दांतों को ताजा कर रहा हूँ। अच्छा वैसे भूमि जब खाना बनाती है ना उसकी रसोई वगैरह इधर की साफ। हाँ इस जगह पर ही तो वो बर्तनों को फोड़ रही थी ना। अच्छा अच्छा हाँ इस जगह पर देखिए वो बर्तनों को फोड़ करके जा रही थी क्योंकि वो लैटरिंग करने के उसमें थी ना। हाँ। मतलब बाहर नहीं जाती थी लैटरिन करने के लिए। हाँ। तो इस जगह पर इधर थी रसोई। यहाँ नहीं यहाँ तो रसोई थी। हाँ बनाती थी। हाँ 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 रसोई थी यहाँ पर। इस जगह पर रसोई थी भूमि की जो खाना बनाती थी जो हीरोइन थी हमारी। इधर से वहाँ सब फोड़े थे यहाँ बैठे थे जो खाना का बट्टा बट्टा बनाया था ना जैसे चूल्हा वगैरह बनाया था जैसे की दूध दूध गर्म करने के लिए यहाँ पे था इस कोने में। अच्छा 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 इस जगह था जो वो यहाँ था। अच्छा अच्छा और वैसे वो हेडपंप था वो कपड़े पड़े धोने के लिए यहाँ पे लगाया था। अच्छा अच्छे कुमार ने उसका। अच्छा हाँ 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 ये देखिए दोस्तों ये था जो अक्षय कुमार जी और भूमि जी का जो बेडरूम था ना इसके अंदर जो है वो सोते थे और इसी के अंदर वो रहे थे। ये देखिए दिखाता हूँ ये आप दरवाज़ा देख रहे होंगे। पहले ना इस समय जब मैं आया था जब यहाँ पर वो फूल पत्ती की अभी भी देखिए अंदर जो डिज़ाइन है फिर आंटी ने बाद में जो है पेंट करा दिया। ये देखिए आपको अंदर दिख रही होंगी ना ये डिज़ाइन पहले भी थी। और इस समय ये देखिए वो कोई बुलाने भी आ गया है वो अभी भी जो है देख रही है। और यही था ना इधर से बुलाती है लैटरिन के लिए सुबह जब वो। हाँ सुबह जब तो बुलाती है वो सुबह जब वो लैटरिन के लिए जब जो लेडीज वगैरह बुलाती है ना वो यही जगह थी। यही बेड था जी। ये देखिए ये वाला बेड था अक्षय कुमार जी का जिस पर वो भूमि जी और जो है अक्षय कुमार जी जब सोते थे। और ये वाला वो दरवाजा है जिससे बाकी की लेडीज हैं उनको सुबह जो है बाथरूम के लिए बुला करके ले जाती थी। अब इस समय आगे गाय वगैरह भैंस वगैरह बंधी हुई है। और ये देखिए यही रूम था वो इसके अंदर अक्षय कुमार और भूमि जी जो है रहे। दोस्तों इस समय मैं और नीतू जो है मौजूद हैं अक्षय कुमार जी के घर पर हैं। जो भूमि जी और अक्षय कुमार जी का जो टॉयलेट मूवी के अंदर जो घर था ना वो नंदगांव के अंदर है। और वैसे जो भूमि जी थी वो थी रहने वाली बरसाने की और अक्षय कुमार जी जो थे वो थे नंदगांव के रहने वाले। और नंदगांव में किस गांव के और किस जो है सॉरी घर के जो थे वो है ये आंटी इन्हीं के घर में जो इनकी हवेली बोली जाती है पुरखों की जो ये जगह है इनकी बहुत पुरानी। आंटी जी कितने साल वर्ष पुरानी है ये हवेली जो है आपकी। ये 140 साल पुरानी हाँ पुरानी जो हवेली है। देखिए आप जो पीछे मेरे देख रहे होंगे ना ये जितने भी कट वगैरह लग रहे हैं आजकल तो कोई बनाता नहीं है। कुमार ने लकड़ी का मकान बनाया था ऊपर ऐसे जैसे ये है ना ऐसा ही बनाया था वो सब तोड़ दिया। अच्छा अच्छा पहले बनाया था मूवी में बनाया था। अच्छा लकड़ी का बनाया था वो सब टूट गया। अच्छा अच्छा ऊपर रहने के लिए। हाँ ऊपर अक्षय कुमार रहे थे ना। अच्छा फिर यही रहते थे आंटी के चले जाते नहीं वो गोवर्धन जाते थे गोवर्धन में रहते। अच्छा वो रहते कहाँ थे रात को। होटल में जाते थे। होटल में शूटिंग के लिए शूटिंग के लिए आते थे। चलो अच्छा है बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों ये पूरा घर जो है यहाँ पर तो शादी हुई थी इस जगह पर सॉरी इस जगह पर जो है अक्षय कुमार जी के पापा रहते थे। और ये जो अंदर जो कमरा दिखाया इसमें जो है अक्षय कुमार जी रहते थे। और यहाँ पर जो है किचन थी इस जगह पर किचन थी। ये पूरा जो है मैंने आपको घर दिखा दिया एक बार। अब बाहर चलते हैं यहाँ से है ना।
देखिए दोस्तों, जहाँ से नीतू निकल करके आ रही है ना, ये है अक्षय कुमार जी का घर। आप ऊपर जो हनुमान जी की मूर्ति देख रहे होंगे, ये वही मूर्ति है। इधर की साइड में स्पेलर चलता है इनका, जो है वो आटा की चक्की है, अंदर जो है स्पेलर है। और ये वो जगह है दोस्तों, ये वाली, जहाँ अक्षय कुमार जी के जो पापा हैं जो टॉयलेट कर रहे थे, जब उनसे आ करके कुछ बोला था और वो टॉयलेट करके जो है खड़े हो गए थे। ये देख लीजिए, ये वही लोकेशन है, शूटिंग लोकेशन। आज मैं पहली बार ये थोड़ा सा हट करके वीडियो डाला है। ये आप जो दीवार देख रहे होंगे जिसमें कि खाने वगैरह जो बने हुए ना, जो ईंटों के ऐसे करके जो है, ये भी वो, ये आपको नज़र आ रही होगी। और साइड में ये वाला जो लोकेशन है वाइट कलर का, जो पहले भी वाइट कलर का था, आज भी जो है ये वाइट कलर का है। देखिए नीतू जो निकल रही है ना, ये निकल रही है अक्षय कुमार के घर में से। चलिए ठीक है ना दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं अक्षय कुमार जी के घर पर। पूरा दिखा दिया आपको कैसे कहाँ वो रहते थे भूमि जी, और जो अक्षय कुमार जी है और उनके पापा जो है वो कौन सी जगह पर रहते थे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये वही मकान है और वही जो है उनका घर है, ये दिखा दिया दोस्तों। वीडियो आपको ये कैसा लगा? थोड़ा अलग हटके है, पीपल लाइफ स्टाइल है तो पीपल की लाइफ स्टाइल ही, अक्षय कुमार जी की लाइफ स्टाइल। आज हम आपको अक्षय कुमार जी के घर पर लेकर के आए। अगर दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना आपको, तो एक बार लाइक कर देना। अगर कोई भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम इस समय अक्षय कुमार जी के घर से इस वीडियो को बना रहे हैं। और आप किस गाँव से और किस देश से और किस शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार वो कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।